नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। दतिया से आज भांडे चुंगी दतिया में ई श्रमिक योजना का शुभारंभ। एसीओ श्री धनंजय मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। ई श्रमिक जागरूकता रैली के माध्यम से गांव-गांव में जाकर गांव में रहने वाले लोगों में जागरूकता करेगी और उन्हें बताएगी कि सरकार के द्वारा अनेक ऐसे लाभ हैं जो ई श्रमिक योजना के तहत शहर से लेकर गाँव तक पहुँचना है। श्रमिक योजना में छात्रवृत्ति मिलेगी, राशन मिलेगा, केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता डायरेक्ट जनता के खातों में आएगी, पीएम आवास में मकान मिलेगा और सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। देश के सभी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। इसमें कार्ड बनवाने वाले के लिए पात्र लोगों की आयु 16 साल से 59 साल के बीच होनी चाहिए, आयकरदाता नहीं होना चाहिए। श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। साथ ही साथ श्रमिक योजना के रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रहेंगे। ई श्रमिक जागरूकता रैली में उपस्थित रहें आशीष ठाकुर CSCDM, दीपू राजपूत CSCDM, संदीप कुशवाहा CSCDM, मोनू राहुल आनंद, आकाश पवन, अजय जितेंद्र, भारत नीलेश, अरविंद ब्रजेंद्र और समस्त CSCB VLE दतिया उपस्थित रहे। दतिया से संगम कुशवाहा की रिपोर्ट। ये जो ई श्रमिक योजना है क्या है, इसके बारे में बताएं। ई श्रम योजना ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूर वर्ग के जो भी हैं असंगठित क्षेत्र का जो काम करते हैं, जैसे कि छोटे लोहार हो गए, बाड़ई हो गए, अपने छोटे काश्तकार हो गए, छोटे अपने किसान हो गए, कोई भी व्यक्ति जो 16 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में आयु का है और वो सरकारी नौकरी में नहीं है, जिसका PF नहीं कटता है, जो इनकम टैक्स पेयर नहीं है, ऐसे सभी व्यक्तियों का सरकार एक डेटाबेस तैयार कर रही है जिसका हम CSCDLE जो हमारे हैं वो उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनका एक कार्ड जनरेट किया जाएगा, उस पर उनका एक यूनिक नंबर होगा, उस यूनिक नंबर के साथ उनका एक डेटा सरकार के पास सुरक्षित हो जाएगा। आने वाले समय में सरकार जो भी योजनाएँ बनाएंगी वो उस डेटा को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे और उन सभी लोगों का उस योजनाओं में उन सभी लोगों का जो जिनका हम रजिस्ट्रेशन करें उनको इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। जो केंद्र सरकार अपनी योजनाओं से लाभ देना चाहती है वो सीधा लाभ इन हितग्राहियों को मिलेगा। ये जो योजना है, ये सभी CSCO पर जो रजिस्ट्रेशन होंगे इसके एक निशुल्क किए जाएंगे? बिल्कुल, ये निशुल्क रजिस्ट्रेशन है, इनका कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा CSCDLE के द्वारा और इनको एक प्रिंट करके कार्ड इनका दे दिया।